રાજ્યમાં વધી રહેલા દુષ્કર્મના કેસમાં ફક્ત અને ફક્ત ફાંસીની સજાની જોગવાઈઓની માંગ સાથે ગોધરાની 12 વર્ષની બેટીએ વડોદરાના કમાટી બાગ ગેટ પાસે સહી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે। રાજ્યમાં અને દેશમાં વધી રહેલા દુષ્કર્મના બનાવને લઈને દુઃખી થયેલી ગોધરાની 12 વર્ષની માહી નરેન્દ્રકુમાર પરમારે દુષ્કર્મના કેસમાં ફક્ત અને ફક્ત ફાંસીની સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવે તેવી માંગણી રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ મૂકવા નગરજનોનો સહયોગ મેળવવા સહી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે। સોમવારે માહી પિતા અને ભાઈ સાથે વડોદરા આવી પહોંચી હતી અને કમાટી બાગના ગેટ નંબર 2 પાસે સહી ઝુંબેશ યોજી હતી। તેણે રાષ્ટ્રપતિને અપીલ કરતા જણાવ્યું છે કે ભારતીય કાનૂનમાં બળાત્કારની સજા ફક્ત અને ફક્ત ફાંસી જ હોવી જોઈએ, જેથી આવું હીન કૃત્ય કરવાવાળાને કાયદાનો ડર રહે અને આવું કૃત્ય કરતા લાખ વાર વિચાર કરશે, જેથી માહી પરમારની આ વાતથી સંમત હોય તેવા અન્ય જાગૃત નાગરિકોને રાષ્ટ્રપતિને મોકલનાર અરજી પર સહી કરી સહયોગ મેળવવા આ સહી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, જેમાં વડોદરામાં માહીને નગરજનોનો બહોળો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો હતો। नमस्कार, मेरा नाम माही परमार है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोधरा में अभ्यास करती हूँ। हमारे देश में प्रतिदिन 88 रेप केसेस होते हैं, यानी हर 15 मिनट में एक बलात्कार, और उनमें से कईयों की हत्या भी कर दी जाती है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है हम कैंडल मार्च करने निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात यह है कि कई ऐसे अपराधी बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात तब हो जाती है जब बलात्कारी अपराधों के समर्थन में रैलियां निकलती हैं। फिर वही घटना, फिर वही हत्या, फिर वही कैंडल मार्च। आखिर कब तक चलता रहेगा यह? कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? हमें हमारी भारत की कानून व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कानून में बदलाव लाना भी उतना ही ज़रूरी है। 2012 दिल्ली निर्भया गैंग रेप, 2014 मुंबई गैंग रेप, 2020 हथरस और ऐसी कई घटनाएं। आर्टिकल 376 में रेप केसेस में अपराधियों को कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा तय की गई है, लेकिन न्याय मिलने में देरी होना वह अन्याय के बराबर है। यह भी एक नेकेड ट्रुथ है। मित्रों, सिर्फ 10 साल की सज़ा देने से पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। अपराधी 10 साल की सज़ा काटकर निकल जाते हैं, लेकिन पीड़िता को जीवन भर घूट घूट कर जीना पड़ता है। आखिर उन छोटी छोटी बेटियों का क्या कसूर जो 2 साल, 5 साल या 10 साल की होती है, उनके बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। एक सर्वे है कि 99% बलात्कार के केसेस दर्ज ही नहीं होते। वजह है समाज का दर्द। बलात्कार एक घटना से ज़्यादा गंदी मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलना चाहिए। कभी अपने आप को, बेटी को या बहन को उस फ्रेम में इमेजिन करके सोचो तो उसके हालात का अंदाज़ा आ जाएगा। हमने यहाँ एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हम हमारे प्रेसिडेंट से अपील करना चाहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर और जेन्युइन केसेस में अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए, ताकि अपराधियों के मन में कानून का डर बैठे और ऐसा कृत्य करने से पहले लाखों बार सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।